आज का आदमी तीन चीजों पर मुस्ताक रहता है। वो कहता है मेरे पास शब्द है, मैं पंडित हूं, मैं दुनिया जीत लूंगा। संसार में जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी पंडित हैं, वो शब्दों के धनी हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि हमारे पास शब्दों की ताकत है, हम दुनिया जीत लेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई बिठा नहीं सकता, हम अच्छे अच्छे विद्वानों को धूल चटा देते हैं क्योंकि हमारे पास शब्दों की ताकत है। संसार के आज के समय में जितने भी लोग हैं करीबन करीबन ये तीन चीजों पर मुस्ताक। कोई कहता है मैं शब्दों का मालिक हूं, लाइब्रेरी की लाइब्रेरी मेरे दिमाग में बैठी हुई है, पूरी डिक्शनरी मेरे दिमाग में छपी हुई है और मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी को भी शब्दों से वश कर सकता हूं, किसी को भी शब्दों से मैं कुछ जो चाहे वो करा सकता हूं। कहते हैं कि एक आज की दुनिया शब्दों के ऊपर मुस्ताक है, कहा दूसरे नंबर में आज की दुनिया शक्ति के ऊपर मुस्ताक है। सोचते हैं मेरे पास शक्ति, मेरे भीतर शक्ति, मेरी शारीरिक शक्ति गजब की है और उस शारीरिक शक्ति की वजह से मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। पंडित यह सोचता है कि मेरे पास शब्दों की ताकत है, पहलवान यह सोचता है कि मेरे पास शरीर की ताकत है, शक्ति है, और वही शक्ति मुझे संसार में, मैं अपराजेय हूं, ना मुझे कोई हरा सकता है, चाहे कितने युद्ध हो जाए, चाहे कितने सुरवीर मेरे सामने आ जाए, लेकिन मुझे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए आज संसार में करीबन देखा जाए तो संसार में प्रायः लोग अपने शब्दों के ऊपर मुस्ताक है, अपनी शक्ति के ऊपर मुस्ताक है। परमात्मा महावीर ने संदेश दिया, समझिएगा बड़ी गहरी बात। कई लोग जो है, जो पंडित की कक्षा के हैं, वो शब्दों के ऊपर मुस्ताक है, जो पहलवान की कक्षा के हैं, वो शक्ति के ऊपर मुस्ताक है, और तीसरे नंबर में कहते हैं कि लोग अपने सत्ता के ऊपर मुस्ताक है कि मेरे पास सत्ता है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। संसार में जिसको खड़ा करना चाहूं खड़ा कर सकता हूं, जिसको बिठाना चाहूं बिठा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सत्ता है। और परमात्मा महावीर ये कहते हैं उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से, समझ लीजिएगा कि आज संसार के करीबन करीबन प्रायः प्रायः लोग ये तीन चीजों के ऊपर मुस्ताक रहते हैं। कोई ये सोचता है मेरे पास शब्दों की ताकत है, मैं शब्दों का धनी हूं, मैं शब्दों का मालिक हूं, मैं दुनिया को हरा सकता हूं। कोई यह सोचता है मैं शक्ति का मालिक हूं, शक्ति का धनी हूं और दुनिया को हरा सकता हूं। कोई यह सोचता है कि मैं सत्ता का धनी हूं, सत्ता का मालिक हूं, दुनिया को हरा सकता हूं। लेकिन परमात्मा महावीर ने संदेश दिया कि कई बार जीवन में परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जब न शब्द काम करते हैं, जब न शक्ति काम करती है और जब न सत्ता काम करती है। कहा जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है जहां हमें लगता है कि यहां शक्ति काम नहीं लगेगी, यहां सत्ता काम नहीं लगेगा, यहां शब्द काम नहीं लगेगा, और तब परमात्मा महावीर ने संदेश दिया कि समझ लीजिएगा संसार में जब थक जाओ आपको लगे, क्योंकि आज के करीबन करीबन लोग संसार में तीन चीजों के आसपास रहते हैं और अपनी शक्ति पर मुस्ताक रहते हैं कि मेरे पास ये तीनों चीज है, मैं संसार का मालिक बन सकता हूं, मैं संसार का राजा बन सकता हूं। लेकिन परमात्मा महावीर ये कहते हैं कि समझ लीजिएगा इस तीन चीज जब हार जाए, आपको लगे कि ये बेअसर हो रही है, आपको लगे कि बेकार हो रही है, आपको लगे कि इसकी असर होती हुई नहीं मालूम पड़ रही है, तब परमात्मा महावीर ने संदेश दिया कि भावों की ओर जाइएगा। जब लगे शब्द भी असर है, जब लगे शक्ति भी असर है, जब लगे सत्ता भी असर है, और तब परमात्मा महावीर ने संदेश दिया कि भीतर के भावों की ओर जाइएगा, वह काम करेंगे। समझ लो आपके घर में एक युवक है, आपका बेटा है, 18, 20, 22, 23 साल का है, आपने उससे शब्दों से समझा लिया, वो समझने तैयार नहीं, और आज हर घर की ये कहानी, हर घर की ये परेशानी, माता पिता ना बेटे को कुछ कह पाते ना वो सुनने को तैयार है, वो अपने मुताबिक अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहता है। आप अपनी मर्जी से जीवन जिलाना चाहते हो, इसीलिए कहीं ना कहीं टकराव होते रहता है, इसीलिए कहीं ना कहीं परेशानी होती रहती है। इसलिए आज के घरों की व्यवस्था है, पिताजी घर में आए तो बेटा घर से बाहर, और बेटा घर में आए तो पिताजी घर से बाहर, दोनों साथ में बैठना नहीं चाहते, दोनों साथ में रहना नहीं चाहते, दोनों साथ में बैठ करके बातचीत करना नहीं चाहते, दोनों साथ में बैठ करके कुछ रास्ता हल निकालना नहीं चाहते, क्योंकि हम जीवन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर हमको थोपना चाहते हैं। इसलिए आज संसार परेशान है, पिताजी कहता है कि बेटा मेरे मुताबिक चले, बेटा ये कहता है कि मैं मेरे मुताबिक चलूंगा, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, और तब जाकर के शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि आपके घर में परेशानी है, शब्दों की असर नहीं हो रही, शक्ति का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते, छोटे बच्चे हो तो उसको दो चांटे भी मार लिए जाए
लेकिन जो 20 साल का हो, 22 साल का हो, 25 साल का, उसके साथ क्या हो सकता है? शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो सकता, सत्ता का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वो सुनने को तैयार नहीं है। वह परिस्थिति में क्या करें? तब परमात्मा महावीर ने संदेश दिया कि समझ लीजिएगा, संसार में तीन चीजों के ऊपर आप मुस्ताक हो, मेरे पास शब्द है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सत्ता है। लेकिन परमात्मा महावीर यह कहते उत्तराध्यान सूत्र के माध्यम से कि जिसके पास भाव है वो दुनिया को जीत सकता है। जिसके पास शक्ति है वो वीर बन गया, लेकिन जिसके पास भाव है वो महावीर बन गया। महावीर के पास क्या था? बुद्ध के पास क्या था? राम के पास क्या था? श्री कृष्ण के पास क्या था? भाव थे भीतर के, और कुछ नहीं था। आप बताइएगा, परमात्मा महावीर ने अपने 72 वर्ष के जीवन काल में एक भी युद्ध लड़ा हो, ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने है? आपने सुना है कभी? 72 ईयर्स, जीवन के 72 साल, परमात्मा महावीर ने जीवन के 72 साल बिताए, लेकिन 72 साल में एक भी युद्ध लड़ा हो, ऐसा एक भी उदाहरण आप मुझे दिखा सकते हो? आपने कभी सुना है कोई गुरु भगवान के मुंह से, कोई किताबों में, कोई शास्त्रों में, कोई ग्रंथों में, आपके बड़े बुजुर्गों से कभी सुना है आपने? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। 72 साल में परमात्मा ने एक भी युद्ध नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका नाम क्या था? क्या नाम था? महावीर। आप समझिएगा, रहस्य को समझने की कोशिश करिएगा। हमारे यहां कहा गया, अरे शक्ति से संसार जीता जा सकता है, लेकिन भाव से खुद को जीता जा सकता है, दुनिया को जीती जा सकती है। और इसीलिए परमात्मा को महावीर कहा गया था, उनका नाम तो वर्धमान था, लेकिन जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य संपन्न किए, खुद के ऊपर फोकस किया, खुद के ऊपर काम किया, खुद के भावों को इतने अद्भुत जगाए कि गौतम जैसा गौतम, इतना अहंकारी, इतना अभिमानी वो इंद्रभूति भी परमात्मा के सामने आया तो शांत हो गया। अपने 500 शिष्यों को लेकर के आया था, और जब तक समव शरण की सीढ़ी उन्होंने चढ़ी नहीं, तब तक तो यह था कि अभी जाऊंगा, अभी उनको हरा दूंगा, अभी उनको बिठा दूंगा। कौन मेरे से बड़ा सर्वज्ञ संसार में कोई है नहीं, मेरे से बड़ा ज्ञानी संसार में कोई है नहीं, मेरे से बड़ा पंडित संसार में कोई है नहीं, ये भाव इंद्रभूति के मन में थे। लेकिन परमात्मा के भावों की ताकत देखिएगा, जब समव शरण के सीढ़ी वो चढ़ने लगे और जब परमात्मा के सामने जाकर के खड़े रह गए तो इंद्रभूति भी दिग्मूढ़ हो गए। उनको भी लगा ये क्या हुआ, ये मैं किसके सामने आ, इंद्र से भी बड़ी रिद्धि सिद्धि समृद्धि जैसी है, इंद्र से भी अद्भुत तेज जिसका है वो कौन है, मुझे जानना पड़ेगा। और तब जाकर के कहा जाता है कि समझिएगा, हृदय के भाव बड़े मायने रखते हैं। और इसलिए परमात्मा ने संदेश दिया कि धर्म करना है तो हृदय के भाव जरूरी है, संबंधों को आगे बढ़ाना है हृदय के भाव जरूरी है, शांतिपूर्ण जीवन जीना है हृदय के भाव जरूरी है, जीवन में स्थिरता लानी है हृदय के भाव जरूरी है। हम भावों के ऊपर फोकस करें तभी जीवन में कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आज तक हमने तीनों चीजों के ऊपर ही फोकस किया, मेरे पास शब्द कितने, मेरे पास शक्ति कितनी, मेरे पास सत्ता कितने। लेकिन एक चीज समझ लेना, एक समय के बाद में सब बेअसर हो जाता है, लेकिन भाव टिके रहते हैं। इसलिए जीवन में ये तीन चीजों के ऊपर मुस्ताक न रहिए। जब ये तीन चीजों से आप हार जाओ, लगे कि अब संसार में कोई रास्ता नहीं है, तब परमात्मा महावीर कहते तब भी एक रास्ता है, भावों का रास्ता। अब भाव ना पाइए, आप ये चाहते हो कि आपका बेटा प्रतिदिन दर्शन करने जाए, मंदिर जाए, पूजा करने जाए, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, हमारा जिन शासन कहता है कि यदि आप उसको कह कह के थक गए, वो सुनने तैयार नहीं, वो मानने तैयार नहीं, और उसके बाद में भी वो आपकी बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, तब परमात्मा ये कहते हैं हृदय से शुभ भावना प्रतिदिन बैठ करके भाइये कि परमात्मा उसका उद्धार हो, इसलिए प्रतिदिन वो कम से कम मंदिर जाना शुरू करे। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आपके भाव सच्चे हो गए तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर असर होगा, कोई ना कोई निमित्त से, कोई ना कोई कारण से मंदिर जाना शुरू कर देगा निश्चित तौर पर। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप उसके अपने स्वार्थ के लिए ना सोचते होगे, आप दूसरे के भले के लिए सोचते होगे, उसके हित के लिए सोचते होगे, तो निश्चित तौर पर भाव असर करेंगे। और इसीलिए मैं आपको जीवन में कहना चाहता हूं कि समझ लीजिएगा, पंडित बन के भला हो ना हो कोई गारंटी नहीं, पहलवान बन के हम जीवन को जीत पाए ना जीत पाए उसकी कोई गारंटी नहीं, प्रधान बन के हम सत्ता हासिल करके संसार को हरा पाए ना हरा पाए कोई गारंटी नहीं। लेकिन परमात्मा महावीर का यह संदेश है कि भीतर में यदि प्रेम भाव है तो निश्चित तौर पर आप भी महावीर बन सकते हैं।
प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।